हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकिता और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ रोटी से बहुत ही चटपटी और टेस्टी सी रेसिपी। ये आप दोपहर की हल्की फुल्की भूख में भी बना के खा सकते हैं, सभी को बहुत पसंद आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने ली है यहाँ 4 से 5 रोटी जो हमने सुबह बना के रखी थी, उसको ले लिया हमने। साथ ही हमने लिया प्याज एक बड़े साइज का, इस तरह से थोड़ा सा लंबाई में कट कर लिया इसे। एक हरी मिर्च, एक टमाटर, नमक, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। यहाँ मैंने लगभग 1 चम्मच ऑयल लिया है, काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। ऑयल गर्म हो जाए तभी हम इसमें डालेंगे जीरा और थोड़ी सी हींग डाल देंगे चुटकी भर। जीरा थोड़ा सा चटक जाए तभी हम इसमें डालेंगे ये प्याज और प्याज को थोड़ा अच्छे से भूनेंगे। ये प्याज के साथ ही ये नाश्ता बनाया जाता है और इसमें आप प्याज एक की जगह 2 भी डाल सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, ये खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। हम अक्सर हमारे घर में सुबह थोड़ी रोटी या कभी ज़्यादा बना लेते हैं या फिर बच जाती है, तो उसका ये हल्का फुल्का नाश्ता बना के दिन को बच्चों को दे सकते हैं हल्की फुल्की भूख में। बहुत ही अच्छा लगता है उनको खाने में और बहुत ही टेस्टी भी बनता है। अभी इसमें हरी मिर्च और टमाटर भी डाल दिए और ये थोड़े से फ्राई हो जाए तभी हम इसमें सूखा मसाला डाल देंगे। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग जाएगा इसमें नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डाल देंगे हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर। सारे मसालों को कर लेंगे अच्छे से मिक्स। मसाला आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और सब्जी इसमें आपके मनपसंद, आप और भी कोई पसंद हो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन खासकर ये नाश्ता है जो प्याज में ही बनता है जो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़े से सारी चीज़ें अच्छे से भून जाए तभी हम इसमें डाल देंगे लगभग 1 गिलास पानी। मैंने यहाँ 5 रोटी ली है तो 5 रोटी के लिए 1 गिलास पानी काफ़ी होगा, इससे ज़्यादा नहीं लेना हमें। पानी में उबाल आ जाए तभी हम इसमें डाल देंगे ये रोटियाँ जो हमने तोड़ के रख ली थी। सारी रोटियाँ जो हमने ली थी उनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है और ये इसमें डाल देंगे। और रोटी डालने के बाद हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं है, वरना रोटी है जो ज़्यादा गल जाती है। बस थोड़ा सा पक जाए तभी हमें इसे बंद कर देना होता है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और झटपट से बन जाता है, सभी को बहुत पसंद आता है। इसको आप दही, चटनी या सॉस या फिर इसको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे भी खाएंगे ना बहुत ही टेस्टी लगेगा आपको। तो ये देखिए, अब ऊपर से डाल देंगे थोड़े से हरे धनिए ताकि ये खाने में और भी टेस्टी लगे। यदि आप चाहें तो इसमें 1/2 नींबू का रस भी डाल सकते हैं, उससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। और ऊपर से 1/2 चम्मच या 1 चम्मच आप देसी घी डाल दीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये लीजिए, हमारा झटपट से बनने वाला हल्का फुल्का नाश्ता बनके तैयार है जो बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत पसंद आता है। और आप ये कभी भी बना सकते हैं, सुबह, शाम, दोपहर, जब आपका इच्छा हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।